जिला बिलासपुर के भागरा डैम समीपवर्ती गांव खाल टिब्बा में मक्के की फसल कीड़े के कारण खराब हो गई, जिससे किसानों की किए कराए मेहनत पर पानी फिर गया और किसान मक्के की फसल को इस हाल में देखकर बेहाल है। करे भी तो क्या करे, उन्होंने बड़े ही मेहनत से लगन से अपनी जमीन को बोया था और जमीन से फसल भी तैयार हुई, लेकिन उस फसल को कीड़ा लग गया, जिस कारण फसल पूरी तरह से बर्बाद होकर रह गई और किसानों की मेहनत पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। किसान बीरीचंद, रामचंद्र कलावती, शेर सिंह, मोहनलाल, हरि सिंह, सुरजीत देशराज, ओमकार सिंह भोलूराम का कहना है कि इससे पहले उनकी गेहूं की फसल भी पीली पड़ गई थी। पीले रतुए के कारण गेहूं की फसल खराब हुई थी और अब कीड़े के कारण मक्की की फसल खराब हुई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इसके बारे में विभाग को भी सूचित किया, विभाग के लोगों ने भी यहां का मुआयना किया, लेकिन फसल का उपचार नहीं हो पाया और इस बार फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि कहीं आने वाले गेहूं की फसल फिर से खराब ना हो जाए, और अब तो ये किसान जमीन को बोने से भी डर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन उनकी मदद करे और जो उनकी फसल खराब हुई है उसका मुआवजा उन सभी किसानों को प्रदान किया जाए, ताकि उनकी मेहनत और पैसा बर्बाद हुआ है उसकी कुछ न कुछ भरपाई हो सके और वे अपने बच्चों का पेट पाल सके। डॉक्टर भी बुलाया तो मक्की सारी खराब हो गई, बीच कीड़े निकले थे, कुछ नहीं खत्म हो गया सारा, क्या पता नहीं क्या बीमारी, डॉक्टर ने पता होना चाहिए, पीछे कणक की जड़ी हो पीड़िए ना खराब हो गई, फिर ये बीमारी लग गई, करिए क्या ना पो रहे ना कहा रहे, आगे ना फिर फसल खत्म हो जानी सारी, जो कणक लगानी होगी से वो भी रहनी होता, भी कीड़ा बीच में ना मनरेगा काम तो बंद है, इधर कोई काम और नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा अंदर, क्या करिए, बच्चे को क्या खिलाएंगे हम, वो हाल है साड़ा, बच्चे का मंदा हाल है, हमारा मंदा हाल है। तक फॉल आर्मी वर्म एक नया कीट जो है साल आया है, और बारिशों की वजह से, इसकी वजह से जो है वो सदर जो ब्लॉक है, सदर विकास खंड है, उसमें लगभग 750 हेक्टेयर एरिया, और स्वार घाट में 420 हेक्टेयर, कुमारमी में 880 और जुलुस्ता में 785 हेक्टेयर के करीब जो एरिया जो प्रभावित हुआ है। इसमें किसानों को लगभग 2,80,00,000 रुपए का जो नुकसान होने की ये है। जहाँ तक इसकी भरपाई का सवाल है, तो किसानों को इंश्योरेंस के बारे में भी, जो क्रॉप इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बारे में भी अवगत कराते रहते हैं कि आगे के भविष्य में भी जो भी जैसे गेहूं की फसल की बिजाई हो रही है, उन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत है अपना बीमा करवाए, और जो भी अभी बीज रवि सीजन के किसानों में वितरित किए जाएंगे